आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ऑनलाइन एडवांस टूलिंग फाइल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे एडवांस टूलिंग फाइल होती है। आज हमारे साथ है सीए जयगुलिया जी, ये हमारे को एडवांस टूलिंग फाइल करके बताएंगे क्या होती है। ये मैं आपको बता दूं कि एडवांस टूलिंग क्या होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई ये वाली नोटिफिकेशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, तो गवर्नमेंट कहती है हमसे पूछ लो, किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने से पहले आप हमसे पूछ लो। क्या गवर्नमेंट ये फ्री में बता देती है? नहीं भाई, गवर्नमेंट ये फ्री में नहीं बताती। गवर्नमेंट इसके लिए चार्ज लेती है। कितना चार्ज लेती है? CGST में 5,000 रुपये लेती है, SGST में 5,000 रुपये लेती है। टोटल 10,000 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। सर, एक सवाल पूछने के 10,000 रुपये? हाँ जी बिल्कुल। तो जितनी भी एडवांस रूलिंग आती है उसमें पहले हमारे को 10,000 रुपये फीस तो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, और जो प्रोफेशनल फीस लेता है वो अपनी अलग लेता है। तो आज जो ये प्रोफेशनल फीस है आप बचा सकते हैं कैसे, ये सीख कर कि एडवांस रूलिंग कैसे फाइल होती है। तो चलिए जय गुलिया जी, सर स्टार्ट करते हैं कि कैसे एडवांस रूलिंग फाइल होती है। ठीक है सर, ये हमारा एक पार्टी है, उनको उनके लिए हमें एक एडवांस रूलिंग फाइल करनी है। केस में पहले एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं कि एक नोटिफिकेशन आई थी 2017 में, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ HSN कोड बता दिए कि जी इन पे टैक्स एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन हमारा जो क्लाइंट है वो एक उसका HSN रह गया था उनमें से, उनसे मिलता जुलता HSN था। तो हमने ये एडवांस रूलिंग इसीलिए फाइल की है कि सर हमें बता दीजिए कि ये HSN कोड इसमें आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले जाना सर्विसेज में जाके, यूजर सर्विसेज में जाके माई एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है, और वहाँ से आपको फाइल करनी है एडवांस रूलिंग अपनी। अब मेरी जो मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है, माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाना है, फिर देखते हैं कैसे फाइल करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरी सेव है, ARA01 एडवांस रूलिंग फॉर एप्लीकेशन, मैं जाके दिखाता हूँ। तो आपको समझ आया होगा कि यूजर सर्विसेज में जाना है आपको। अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आप न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे, हाँ, और वहां पर एडवांस रूलिंग सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो हमने पहले से ही एडवांस रूलिंग को फिल कर रखा है, बस आपको फाइल करना बताएंगे। इसमें जो सर ने बताया है, मैं थोड़ा सा और इसमें ब्रीफ करता हूँ। इसमें क्या है कि अभी नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन में ना कुछ एंट्रियों को RCM के दायरे में लाया गया है कि भाई इनके ऊपर RCM लगेगा। उसमें एक आइटम है मेंथा ऑयल, उसे इन्होंने इसके दायरे में नहीं लाया। तो हमारे जो क्लाइंट का बिजनेस है उसका मेंथा ऑयल का बिजनेस है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन हम पर अप्लाई होगी या नहीं होगी, क्या हमें RCM में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनी नॉलेज के हिसाब से चले और उसके ऊपर टैक्स ना दे तो कल को क्या पता डिमांड निकाल दे, और अगर हम अपनी नॉलेज के हिसाब से उस पर टैक्स दे दें और उसका ITC क्लेम कर ले तो क्या पता कल को हमारा ITC डिसअलाउ हो जाए। तो इसलिए हम एडवांस रूलिंग में सेक्शन 95 में लिखा हुआ है कि भाई आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो किन बेसिस पर, जो कि सेक्शन 97 में कुछ पॉइंट है उस बेसिस पर आप ले सकते हो जी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास, कि यहाँ पर देखो एडवांस रूलिंग में क्या कह रहा है ये कि भाई एप्लीकेशन फाइल फॉर SGST। सर आप SGST के लिए फाइल क्यों कर रहे हो? भाई देखो यहाँ पर ना पोर्टल ने कन्फ्यूजन क्रिएट करी है। पोर्टल ने क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करी है कि भाई आप जो है ना SGST में 5,000 रुपये देकर एडवांस रूलिंग फाइल तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही हम एडवांस रूलिंग फाइल करेंगे SGST में तो हो सकता है वो हमारी एडवांस रूलिंग रिजेक्ट हो जाए। क्यों रिजेक्ट हो जाए? क्योंकि यहाँ पर एडवांस रूलिंग में ये लिखा हुआ है कि आपको 5,000 CGST के पे करने हैं और 5,000 SGST के पे करने हैं, लेकिन हमने जो एडवांस रूलिंग सेव करी हुई है इसमें सिर्फ हमने पहले SGST कर सेव करा हुआ है, तो हम इसे अभी फिलहाल चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्ट इसमें हम इसे चेंज कर देते हैं, जाकर यूजर सर्विसेज में जाके, या हम आप नई एडवांस रूलिंग फाइल कर लेते हैं। तो हम गए माई एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नई एप्लीकेशन ही फाइल कर देते हैं। बिल्कुल। तो आपको सर्विसेज में जाके यूजर सर्विसेज में, और उसके बाद माई एप्लीकेशन में जाना है, उसके बाद सिलेक्ट टाइप करना है, और यहाँ से आपको एडवांस रूलिंग उठानी है। एडवांस रूलिंग उठा के न्यू एप्लीकेशन आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये पोर्टल आप पे खुल जाएगा। ये यहाँ पे कहता है कि CGST के आपके 5,000 रुपये, SGST के 5,000 रुपये और IGST के 0 है अभी। तो हमें सिर्फ यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपको लेनी किस लिए है। अगर SGST के लिए लेनी है तो आपके सिर्फ 5,000 रुपये आएंगे, और अगर CGST के लिए भी लेंगे तो आपके 10,000 रुपये टोटल ऐड हो जाएंगे।
तो ये हमने ऑलरेडी हमारे लेजर में है, कैश लेजर में, तो हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर देते हैं नए वाली। लेकिन यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आप जो है ना यहाँ पर SGST या CGST में से किसी को भी टिक करके एडवांस रूलिंग ले सकते हो, लेकिन हो सकता है वो एडवांस रूलिंग आपकी रिजेक्ट हो जाए। सर क्यों रिजेक्ट हो जाए? क्योंकि भाई CGST SGST की तुम्हें दोनों इकट्ठी फीस देनी है, तब जाकर आपकी एडवांस रूलिंग सही होगी। तो सर ये पोर्टल गलत क्यों कर रहा है? भाई पोर्टल तो अपील के केस में भी गलत कर रहा है। अपील के केस में आपको पता है ना, हमने अपनी मैगजीन में दिया था, ठीक है ना, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जिन लोगों ने अपनी अपील को क्रेडिट लेजर से पे करा तो उनकी अपीलों को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो पोर्टल ऐसा गलत कर सकता है, हो सकता है वो रूल के हिसाब से ना चले, लेकिन अगर आपको सही एडवांस रूलिंग फाइल करनी है उसमें CGST में भी जमा करो 5,000 रुपये और SGST में भी जमा करो 10,000 जमा करके एडवांस रूलिंग फाइल करो। सर अब इस केस में IGST में कब होती है फाइलिंग? तो IGST में हो सकता है कोई अलग मैटर हो, ठीक है, आज की डेट में ऐसे कोई मैटर नहीं है। आज की डेट में सर एक OIDR वाला मैटर है शायद, उसमें जिसमें 10,000 में मिलती है, अदरवाइज तो ये जो एडवांस रूलिंग है वो स्टेट अथॉरिटी देती है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से 5,000-5,000 में CGST SGST में देने होंगे। चलिए सर, तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे आ गया कि अप्लाइड फॉर आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो SGST और CGST पहले आपने देखा था सिर्फ SGST आ रहा था, तो हमने वहाँ पे 5,000 रुपये के लिए सेव किया था, लेकिन अब हमने 10,000 रुपये पे किए हैं, 5,000 SGST में और 5,000 CGST में। तो ये पूछ रहा है सबसे पहले कि जी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है आपका, तो आपको सिंपल यहाँ पे टिक कर देना जो आपने शुरुआत में रजिस्ट्रेशन लेते टाइम एड्रेस डाला था, वही आपका सेम एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये कहता है जी नेचर ऑफ एक्टिविटी इन रिस्पेक्ट टू विच एडवांस रूलिंग सोर्ट, किसके लिए आप एडवांस रूलिंग मांग रहे हैं, किस केस में आप चाहते हैं। तो हमारा बिजनेस है जी फैक्ट्री का, होलसेल बिजनेस का, रिटेल का, और हमारे इस क्लाइंट का एक और बिजनेस है एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट का यहाँ पे कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम अदर्स में जाके और यहाँ पे डाल देते हैं एक्सपोर्ट। ये आ गया जी एक्सपोर्ट। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद कहता है जी इश्यू ऑन विच एडवांस रूलिंग रिक्वायर्ड। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक दे दिए सर अंडर सेक्शन 97 में कि जी आप इन इन इशू पे ही एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, अगर आप इनके अलावा कुछ एडवांस रूलिंग मांगते हैं तो आपकी रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें दो चीज हमने उनसे पूछनी है कि सर एक तो ये बता दीजिए जो नोटिफिकेशन है वो हम पे अप्लाई होती है कि नहीं होती नहीं। है, और दूसरा हमें ये पूछना है कि जो चार्जेबिलिटी है टैक्स की वो हमें कैसे फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है या RCM में पे करना है। बिल्कुल। उसके बाद ये कह रहा है कि जी आप इसमें जो अटैचमेंट करनी है, जो ड्राफ्टिंग है हमारा, वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं कि हमने क्या ड्राफ्ट किया है। ये हमने ड्राफ्ट किया है कि सबमिशन और इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले क्लाइंट्स की डिटेल दी हुई है, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन लगा दी कि जी ये नोटिफिकेशन थी, ये वो सारे के सारे वो थे HSN कोड जो गवर्नमेंट ने कहा था कि इन पे एप्लीकेबल है, लेकिन हमारा HSN कोड डिफरेंट था। तो हमने फिर ये इनको आगे बताया कि सर ये हमारा ये HSN कोड है और इस नोटिफिकेशन में ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल, ये इसके दायरे में आता है ये, या नहीं। ये हमारा स्पेसिफिक HSN कोड था जी जी। तो इसके बाद हमने ये इनसे पूछा कि सर हमें दो बातें बता दीजिए कि वेदर और नॉट इफ वी डील विद सच प्रोडक्ट देन वी विल फॉल अंडर दिस नोटिफिकेशन, क्या इस ये नोटिफिकेशन हम पे अप्लाई होगी या नहीं होगी। और दूसरा हमने पूछा कि अगर होगी तो फिर हमें किस में टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, RCM में या फॉरवर्ड चार्ज में। तो यहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं, इसकी जो एडवांस ये जो ड्राफ्ट देखा आपने इसकी एक अटैचमेंट लगानी है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब आप एडवांस रूलिंग लेने जा रहे हैं तो ऊपर का जो फॉर्मेट है वो तो आपका ठीक है, फिर आपको PDF में अपने क्वेश्चंस को बताना है कि भाई आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आप ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, आपका इस पे ब्रीफिंग क्या है, कि भाई क्योंकि हमने ये गवर्नमेंट से डाउट क्लियर करा, क्योंकि आपने सारे HSN कोड तो ले लिए, उस नोटिफिकेशन में एक HSN कोड छोड़ दिया, क्या आपने वो गलती से छोड़ा, अगर आपका ऐसा कोई गलती से है इंटेंशन तो आप हमें बता दें जिससे कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से कर लें, कोई कंफ्यूजन ना हो जी सर। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमने PDF बनाया था जिसमें हमने दो क्वेश्चन पूछे वो हमने अटैच कर दिए। इसके बाद आप ना सपोर्टिंग में कुछ और चीजें भी लगा सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट का फोटो भी आप लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो।
ये देखिए, हमने इसके प्रोडक्ट का फोटो अटैच कर दिया इसके साथ में ठीक कि ये है। हमारा प्रोडक्ट था, और इसके क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं ताकि जो एडवांस रूलिंग वाले वो समझ पाए कि जी हम एक्चुअल में किस प्रोडक्ट के रिगार्ड में चाह रहे हैं, और वो हमें एक अच्छी जजमेंट दे सकें। जी, फिर उसके बाद ये पूछता है कि जी पहले ही हमें ये डिक्लेयर कर दो कि कोई आपकी एडवांस रूलिंग इसी के रिगार्ड में, कोई पेंडिंग तो नहीं चल रही है, हमारी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है इसके रिगार्ड में। तो हमने ये टिक कर दिया कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन इज आर नॉट ऑलरेडी पेंडिंग इन द प्रोसीडिंग, हमारा ये कोई पेंडिंग नहीं है कहीं पे भी। इसके बाद वो सिंपल आपकी वेरिफिकेशन पूछता है, जो आपकी GSTR 1 और 3B में पूछता है कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनको सेलेक्ट करवा दीजिए। हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट करवा दिया, और इसको सबसे पहले हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हम इसको सिंपल फाइल कर देते हैं। प्लेस पूछ रहा है। अब इसमें आपको ये बात और समझनी है, जिस क्लाइंट के लिए आप एडवांस रूलिंग ले रहे हो ये उसी क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल होगी और किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर आप एडवांस रूलिंग को या अपील को या किसी भी चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं, उसमें हमने 120-150 घंटे का कोर्स पूरे डिटेल में सिखाया है। यहाँ पर देखिए ये हमारी एडवांस रूलिंग यहाँ पर बिल्कुल हाँ सेव जी, हो गई। सर ने ये बात बिल्कुल सही बताई। अगर बाई चांस मान लीजिए आपका कोई सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई और क्लाइंट है सेम प्रोडक्ट में डील करता है और सेम HSN कोड की उसकी भी क्वेरी है, तो ये नहीं है कि वो अगर हमारे फेवर में ये फैसला आ जाता है जी कि गवर्नमेंट ये कहती है जी नहीं अप्लाई होगा आप पे, तो वो क्लाइंट जो दूसरे वाला वो ये नहीं कह सकता कि जी इस क्लाइंट के लिए आपने मना कर दिया तो मेरे लिए भी मना है। उसको एडवांस रूलिंग अपनी फाइल करनी पड़ेगी, अलग से गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि सर मैं ये पार्टी हूँ और मेरा अप्लाई होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल, तो इसे प्रोसीड टू फाइल कर देते हाँ हैं। जी हम यहाँ पर ये प्रोसीड टू फाइल कर देते हैं। अब इसके बाद होगा क्या, क्या ये डायरेक्ट आपको डिसीजन सुना देंगे? मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट आपको डिसीजन नहीं सुनाएंगे। ये क्या करेंगे, एडवांस रूलिंग चली गई उसके बाद ये हमारे को बुलाएंगे, हाँ जी हमारे केस को डिस्कस करेंगे कि जिससे कि उसके बाद फिर ये डिसीजन लेंगे। तो सर कब तक ये डिसीजन आ जाएगा इसमें? सर मोटा मोटी 6 महीने के अंदर अंदर ये डिसीजन आ जाते हैं। तो 6 महीने के अंदर अंदर ये डिसीजन आ जाएगा। हाँ जी तो 6 महीने तक हमारा ये डिसीजन आ जाएगा। तो आप आज आपने इस वीडियो में सीखा होगा कि एडवांस रूलिंग को कैसे प्रैक्टिकली फाइल करें। तो आप भी अगर एडवांस रूलिंग फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बस अब हम OTP डालेंगे और एडवांस रूलिंग हमारी सबमिट हो जाएगी। तो इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, वो हमारे को बुलाएंगे कि आप अपने केस को समझाओ। तो सर एक बार बुलाएंगे, दो बार बुलाएंगे? सर वो तो जितना उनको रिक्वायरमेंट होगी उतनी बार बुलाएंगे। तो ये कहां पर बुलाएंगे, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में एडवांस रूलिंग फाइल करी है तो ये अपने स्टेट में बुलाएंगे सर? ये हमें अपनी स्टेट में बुलाएंगे और हमारे को ये देना पड़ेगा। तो ये मत समझना कि एडवांस रूलिंग ऑनलाइन फाइल हो गई तो काम खत्म। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपके केस को डिस्कस किया जाएगा। देखिए यूट्यूब के ऊपर हमारी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस होती है, हम ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बना पाते, इसलिए यहां पर हमने आपको शॉर्ट में बताया है कि एडवांस रूलिंग कैसे फाइल होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, जो पोर्टल ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है सर, CGST लेकर SGST लेकर, क्या ये गवर्नमेंट को क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर करना चाहिए। अब एडवांस रूलिंग करते तो कम लोग फाइल है भाई, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि 10,000 एडवांस रूलिंग फाइल हुई होंगी, लेकिन उनके लिए भी तो दिक्कत है ना। आप या तो पोर्टल को टाइट करें कि भाई बिना 10,000 जमा करे एडवांस रूलिंग दे ही मत, देंगे नहीं। अब पता चलता हम 5,000 रुपए में एडवांस रूलिंग फाइल करते थे और उसके बाद हमारी वो एडवांस रूलिंग रिजेक्ट हो जाती। तो भैया देखो ये एक्नोलेजमेंट हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, एडवांस रूलिंग के लिए, ठीक है। तो ये एडवांस रूलिंग हमने फाइल कर दी, आशा करते हैं आपको भी समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सर और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर मैं बस यही ऐड करना चाहूंगा, अगर बाई चांस आपकी एडवांस रूलिंग आपके अगेंस्ट में आ सकती है तो ऐसा नहीं कि यहीं पे केस खत्म हो जाता है, आप इसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, इसके ऊपर अथॉरिटीज में भी आप फाइल कर सकते हैं केस। जी जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट सैटरडे को एक सेमिनार है GST के ऊपर, तो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट सेमिनार हमारा इस सैटरडे को है, कौन से सैटरडे को, 27 नवंबर को हमारा ये सेमिनार है। और इसके अलावा हमारा एक फेस टू फेस बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको नए बैच में रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप इन नंबर पर बात करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपने हमारी मैगजीन ले रखी होगी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।